गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांसद के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम महादेवी वर्मा जी का जो संस्मरण है वो पढ़ेंगे। अब तक हमने इसमें महादेवी वर्मा का जो पाठ पास पढ़ा है, पहला भाग पढ़ा है, उसमें लेखिका जो है उनका जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय और किस प्रकार से उनका बचपन बीता इसके बारे में पढ़ा। अब आगे हम पढ़ते हैं कि संस्मरण में आगे क्या है। इससे पहले हम पिछला जो पढ़ा उसका थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, यानी दोहरा लेते हैं। यहाँ पर महादेवी वर्मा जो है इनका जन्म 1907 में उत्तर प्रदेश के फरुखाबाद जिले में हुआ। और महादेवी वर्मा जी को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। इनको छायावादी कवयित्री कहा जाता है क्योंकि छायावाद की जो चार स्तंभ है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत और महादेवी वर्मा, छायावाद के चार स्तंभ माने जाते हैं। इनमें से महादेवी वर्मा जी भी एक है, छायावादी कवयित्री है, लेखिका। और इनको जो है आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। इन्होंने जो काव्य संग्रह लिखे हैं उनमें निहार रश्मि, नीरजा, दीपशिका, यामा लिखे हैं, इनके काव्य संग्रह है। और यामा काव्य कृति जो है इनकी, इस पर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। यहाँ पर महादेवी वर्मा को यामा रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला और भारत सरकार के द्वारा भी इन्हें पद्म भूषण से अलंकृत किया गया, सम्मानित किया गया। यहाँ हम देखते हैं कि अभी तक संस्मरण में हमने जो पढ़ा है उसमें आपने संस्मरण का अर्थ समझा कि संस्मरण क्या क्या होता है। संस्मरण यानी स्मृतियां, यादें। यहाँ पर लेखिका महादेवी वर्मा जो है वो अपनी पुरानी स्मृतियों का स्मरण करती है। उन्हें लेखन के माध्यम से अपनी जो पुरानी यादें हैं उन्हें ताजा करती है, उनका स्मरण करती है। यहीं पर यहाँ पर संस्मरण यानी पुरानी स्मृतियों को ताजा करना और लेखन के द्वारा व्यक्त करना। तो यहाँ पर लेखिका ने भी संस्मरण लिखा है जिसमें मेरे बचपन के दिन शीर्षक से उन्होंने लिखा है कि उनका बचपन किस प्रकार से बीता और किस प्रकार से सामाजिक रवैया यानी समाज का रवैया उनके प्रति कैसा था, छात्रावास जीवन उनका कैसा रहा, हॉस्टल में छात्रावास में वो रही तो वहाँ उनको कौन कौन सी सहपाठिनी मिली, यानी साथ में कौन कौन ने शिक्षा प्राप्त की और किस प्रकार से वो इनके साथ व्यवहार करते थे, वहाँ पर सामाजिक यानी समाज का रवैया इनके प्रति कैसा रहा, स्कूल का जो वातावरण है शैक्षिक वातावरण वो किस प्रकार का था, इन सब के बारे में इन्होंने वर्णन किया है और लिखा है। यहाँ पर यहाँ तक हम पढ़ चुके थे कि लेखिका जो है बहुत सालों बाद लेखिका का अपने घर में जन्म हुआ और इनके दादाजी ने जो दुर्गा पूजा करवाई थी उसमें कन्या की इच्छा व्यक्त की थी, कामना की थी। 200 वर्षों बाद जब महादेवी जी का जन्म हुआ तो पहली स्त्रियों की जो स्थिति थी वो अच्छी नहीं थी, यानी जो लड़कियां थी उनकी स्थिति अच्छी नहीं थी, उन्हें पैदा होते ही मार दिया जाता था। लेकिन महादेवी जी के घर में ऐसा नहीं था। 200 वर्षों बाद जब कन्या का जन्म हुआ यानी कि महादेवी जी का, तो उन्हें अच्छी तरह से उनका पालन पोषण किया गया, लाड प्यार से पाला पोसा गया। और यानी लेखक के जो दादाजी थे, इनके जो माता थी वो इन्हें अच्छी शिक्षा दिलवाना चाहते थे और सभी भाषाओं का ज्ञान करवाना चाहते थे। यहाँ तक हम पढ़ चुके थे। यहाँ पर एक बार यानी कि छात्रावास में रहते हुए जब पहले तो महादेवी जी को मिशन स्कूल में पढ़ने के लिए रखा गया, लेकिन वहाँ पर इनका मन नहीं लगा और इन्हें क्रॉसवेल गर्ल्स कॉलेज में रखने के लिए पढ़ने के लिए रख दिया। पांचवी कक्षा में वहाँ पर इन्हें एक सहपाठी यानी साथ में पढ़ने वाले
सुभद्रा कुमारी चौहान से मुलाकात हुई। सुभद्रा कुमारी चौहान जो है वो कविता लिखा करती थी और महादेवी भी धीरे धीरे लिखने लगी। जब इसका सबको महादेवी जी का सबको पता चला तो सुभद्रा कुमारी चौहान ने सबको बता दिया। और ऐसे ही जब कवि सम्मेलन वगैरह होते तो वहां पर ये जाया करती थी लेखिका। और एक बार बापू से इनकी मुलाकात होती है। यहाँ तक हमने भाग फर्स्ट यानी पहले भाग में पढ़ लिया था। आगे हम देखते हैं कि अपने बचपन के दिनों में महादेवी जी ने और क्या कार्य किए, किस प्रकार से इनका बचपन और इनका जीवन व्यतीत हुआ। आइए हम आगे पढ़ते हैं। यहाँ पर जब मिशन स्कूल में महादेवी जी का मन नहीं लगा तो उन्हें क्रॉथवेल गर्ल्स कॉलेज में पढ़ने के लिए भेजा, जहाँ वे पांचवें दर्जे में इनको भर्ती करवाया, एडमिशन दिलवाया। वहाँ का वातावरण बहुत अच्छा था। उस समय हिंदू लड़कियाँ भी थी, ईसाई लड़कियाँ भी थी। वहाँ पर हम लोगों का एक ही मेज था। उस मेज में प्यास तक नहीं बनता था, यानी सभी धर्मों के लड़कियाँ वहाँ पर पढ़ती थी, लेकिन सबके लिए मेज में यानी रसोईघर भी कह सकते हैं एक तरीके से। वहाँ पर खाना ज़्यादा बनता था सभी लड़कियों का, तो सबके लिए एक जैसा भोजन बनता था। और छात्रावास के हर एक कमरे में हम चार छात्राएं रहती थी, यानी वहाँ जो छात्रावास था उसमें एक कमरे में चार छात्राएं रहती थी। उनमें पहली की साथी सुभद्रा कुमारी चौहान मिली। लेखिका को छात्रावास का जो उनका जीवन व्यतीत हुआ, किस प्रकार से व्यतीत हुआ, इसका वर्णन यहाँ पर लेखिका कर रही है। छात्रावास में एक कमरे में चार लड़कियों को रखा जाता था और इनकी जो पहली साथी थी वो थी सुभद्रा कुमारी चौहान। सातवें दर्जे में वे मुझसे 2 साल सीनियर थी। महादेवी जी 5वीं क्लास में पढ़ती थी और सुभद्रा कुमारी चौहान 7वीं में पढ़ती थी। वे कविता लिखती थी और मैं भी बचपन से तुक मिलाती आई थी। बचपन में माँ लिखती थी, पद भी गाती थी। मीरा के पद लेखिका की माँ विशेष रूप से गाती थी। सवेरे जागे कृपा निधन, पंछी बन बोले यही सुना जाता था। प्रभाती गाती थी, शाम को मीरा का कोई पद गाती थी। सुन सुन कर मैंने भी ब्रजभाषा में लिखना आरंभ किया, यानी लेखिका जो है लेखिका को ब्रजभाषा का ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ, यानी लेखिका की माँ जो थी वो ब्रजभाषा में मीरा के पद गाया करती थी और सवेरे सवेरे भी गाया करती थी, इसीलिए यहाँ पर लेखिका ने भी जो है ब्रजभाषा का ज्ञान प्राप्त कर लिया था। यहाँ आकर देखा कि सुभद्रा कुमारी जी खड़ी बोली में लिखती थी। जो सुभद्रा कुमारी चौहान थी छात्रावास की साथी, वो खड़ी बोली में कविता लिखा करती थी। मैं भी वैसे ही लिखने लगी, लेकिन सुभद्रा जी बड़ी थी, प्रतिष्ठित हो चुकी थी, सम्मानित भी हो चुकी थी। उनमें छिपा छिपा कर लिखती थी, यानी महादेवी जी उनसे छुपा करके लिखा करती थी। एक दिन उन्होंने कहा, महादेवी तुम कविता लिखती हो, तो मैंने डर के मारे कहा नहीं। अंत में उन्होंने मेरी डेस्क यानी टेबल या फिर कहे कि मेज की किताबों की तलाश ली और बहुत सा निकल पड़ा उसमें से। तब से जैसे किसी अपराधी को पकड़ते हैं, ऐसे उन्होंने एक हाथ में कागज लिए और एक हाथ से मुझको पकड़ा और पूरे हॉस्टल में दिखा आई कि ये कविता लिखती है। फिर हम दोनों में मित्रता हो गई। कहने का अर्थ ये है कि महादेवी जी जो सुभद्रा कुमारी चौहान है उनके साथ रहती थी हॉस्टल में, यानी दोनों एक ही कमरे में रहती थी। यहाँ पर सुभद्रा कुमारी चौहान जो है वो 7वीं क्लास में पढ़ती थी, महादेवी जी 5वीं कक्षा में पढ़ती थी। सुभद्रा जी कविताएं लिखा करती थी और सम्मानित भी हो चुकी थी, और महादेवी वर्मा जो है वो तुक मिलाया करती थी, लिखा करती थी और उसे छुपा करके रखती थी। एक दिन सुभद्रा कुमारी चौहान को इस बात का पता चल गया
कि महादेवी जो है, महादेव वर्मा जो है, ये भी कुछ लिखती है। जब महादेवी जी से पूछा गया तो उन्होंने मना कर दिया, लेकिन इस बात का पता सुभद्रा कुमारी चौहान को चल गया। उन्होंने टेबल जो होती है मेज, उसकी तलाशी ली और उन्हें कुछ जो लेख है वो हाथ लगे और उन्होंने पूरे हॉस्टल में दिखा दिए और फिर दोनों में मित्रता हो गई। क्रॉस वेट में एक पेड़ की डाल नीचे थी, उस डाल पर हम लोग बैठ जाया करते थे, यानी अपने बचपन की यादें यहाँ पर लेखिका इस लेख के माध्यम से व्यक्त कर रही है। जब और लड़कियां खेलती थी तब हम लोग तुक मिलाते थे, यानी जब लंच होता था तो एक पेड़ की डाली पर बैठ करके और कुछ गाया करती थी, तुक मिलाया करती थी, बाकी अन्य लड़कियां जो है खेला करती थी। उस समय एक पत्रिका निकलती थी स्त्री दर्पण, उसी में भेज देते थे। यानी महादेवी जी जब हॉस्टल में थी उस समय कौन सी पत्रिका का प्रकाशन होता था, और इनकी या फिर क्वेश्चन ये भी बन रहा है महादेवी जी की या सुभद्रा कुमारी चौहान जो है इनकी कविताएं कौन सी पत्रिका में प्रकाशित होती थी। यहाँ पर क्वेश्चन बन रहा है, इसका आंसर है स्त्री दर्पण। यह पत्रिका उस समय छपती थी और इसी में इनकी तुकबंदी यानी इनकी कविताएं भी छप जाती थी। फिर यहाँ कवि सम्मेलन होने लगे तो हम लोग भी उनमें जाने लगे। फिर धीरे धीरे ये लोग कवि सम्मेलन जो होते थे उनमें भाग लेने लगे, जाने लगे। हिंदी का उस समय प्रचार प्रसार था। मैं सन 1917 में यहाँ आई थी, इसके बाद गांधी जी का सत्याग्रह आरंभ हो गया और आनंद भवन स्वतंत्रता के संघर्ष का केंद्र हो गया। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि स्वतंत्रता के संघर्ष का केंद्र किसे बताया गया है, यहाँ पर स्वतंत्रता के संघर्ष का केंद्र किसे माना गया है तो आनंद भवन को स्वतंत्रता के संघर्ष का केंद्र बताया गया है। जहां तहां हिंदी का प्रचार चलता था, कवि सम्मेलन होते थे, क्रॉस वेयर से मैडम हम सबको लेकर जाती थी, यानी इनकी जो अध्यापिका थी वो इन्हें साथ में लेकर के जाती थी। हम कविता सुनाते थे, कवि हरिबोध जी अध्यक्ष होते थे उस कवि सम्मेलन के, कवि श्रीधर पाठक उसके अध्यक्ष होते थे, कवि रत्नाकर जी होते थे, कवि कोई होता था, कब हमारा नाम करा जाए बेचैनी से सुनते रहते थे। मुझको प्राय प्रथम पुरस्कार मिलता था, 100 से कम पदक नहीं मिले होंगे उसमें। यानी महादेवी जी कहती है अपने बचपन की यादों को इस संस्मरण के माध्यम से व्यक्त करती हुई कहती है कि ऐसे ही तुकबंदी करते करते इनकी कविताएं जो है वो स्त्री दर्पण पत्रिका में छपने लगी। और फिर जो कवि सम्मेलन होते थे तो इनकी एक अध्यापिका थी वो इन्हें साथ में लेकर के और कवि सम्मेलन में जाया करती थी। ये उसमें जो है इन्हें प्रस्तुत किया जाता था। एक बार की घटना याद आती है, महादेवी जी के बचपन की एक घटना क्या घटित होती है, यहाँ पर इसका वर्णन लेखिका कर रही है। एक कविता पर मुझे चांदी का एक कटोरा मिला, यानी महादेवी जी को इनकी एक कविता पर चांदी का एक बड़ा सा कटोरा मिला, बड़ा नकाशीदार और सुंदर था। उस दिन सुभद्रा जी नहीं गई थी, सुभद्रा प्राय नहीं जाती थी कवि सम्मेलन में। मैंने उनसे आकर कहा देखो यह मिला है। सुभद्रा ने कहा ठीक है, अब तुम एक दिन खीर बनाओ, मुझको इस कटोरे में खिलाओ। यानी कि अब महादेवी जी जो कवि सम्मेलन होते थे उनमें भाग लेने लगी और सुभद्रा जी उनमें कवि सम्मेलनों में बहुत कम जाती थी। तो यहाँ पर एक बार महादेवी जी को एक चांदी का बड़ा ही सुंदर, बहुत ही सुंदर नकाशीदार कटोरा मिला। तो महादेवी जी ने आकर के सुभद्रा जी को बताया कि मुझे ये कटोरा मिला है और सुभद्रा जी ने कहा कि भाई कटोरा तो मिला है लेकिन इसमें मुझे खीर बना करके खिलाओ तो मैं मान। उसी बीच आनंद भवन में बापू आ गए, बापू यानी गांधी जी बापू आ गए। हम लोग तब अपने जेब खर्च में से हमेशा
अंग्रेज के लिए बचाते थे, यानी कि उस समय देश को आजाद करवाने के लिए जो आंदोलन चल रहे थे, गांधी जी के द्वारा जो आंदोलन चलाए जा रहे थे, उनमें भी महादेवी जी भाग लिया करती थी और देश के लिए पैसे बचाया करती थी। जब बापू आते थे तो वो पैसे वो उन्हें दे देते थे, जो बचत के पैसे होते थे। उस दिन जब बापू के पास मैं गई तो अपना कटोरा भी लेती गई। मैंने निकाल कर बापू को दिखाया, मैंने कहा कविता सुनाने पर मुझको ये कटोरा मिला है, यानी आनंद भवन में एक दिन सुभद्रा कुमारी चौहान जी की मुलाकात गांधी जी से यानी बापू से हो जाती है और वो अपना कटोरा निकाल करके बापू को दिखाती है। कहने लगे अच्छा मुझे दिखाओ। मैंने कटोरा उनकी ओर बढ़ा दिया तो उसे हाथ में लेकर बोले तू देती है इसे, अब मैं क्या करती। जब मैंने बापू को कटोरा दिखाया तो उन्होंने कहा कि इसे ये कटोरा मुझे दे दे, अब मैं मना भी कैसे करती। मैंने दे दिया और वापस लौट आई। दुख हुआ कि कटोरा लेकर कहती कहते कविता क्या है, पर कविता सुनाने को उन्होंने नहीं कहा। कटोरा लेने के बाद उन्होंने मेरे से यह तक नहीं पूछा कि कौन सी कविता पर यह मिला है। ये देखकर के महादेवी जी की हो गई थी और क्वेश्चन बन रहा है कि महादेवी जी बापू से मिलने के बाद की क्यों हो गई थी। तो क्यों हो गई थी, क्योंकि उन्होंने बापू को कटोरा दिखाया और बापू ने महादेवी जी से कटोरा लेने के बाद यह तक नहीं पूछा कि कौन सी कविता पर आपको ये कटोरा मिला है, ये पुरस्कार मिला है। लौट कर मैंने सुभद्रा जी से कहा कि कटोरा तो चला गया। सुभद्रा जी ने कहा और जाओ दिखाने, भाई कटोरा और दिखा कर आओ बापू को। फिर बोली देखो भाई खीर तो तुमको बनानी ही होगी, यानी सुभद्रा जी जो है महादेव वर्मा से कहती है कि भाई कटोरा गया तो गया लेकिन खीर तो तुम्हें बनानी ही थी, अब तुम चाहे पीतल की कटोरी में बनाकर खिलाओ चाहे फूल के कटोरे में। फिर भी मुझे मन ही मन प्रसन्नता हो रही थी कि पुरस्कार में मिला अपना कटोरा जो था मैंने बापू को दे दिया। सुभद्रा जी छात्रावास छोड़ करके चली गई, तब उनकी जगह एक मराठी लड़की जयबोली सा हमारे कमरे में आकर के रहने लगी। यानी सुभद्रा जी जो है वो छात्रावास छोड़ करके और चली गई थी, उनकी जगह एक मराठी लड़की थी जयबोली सा। उस मराठी लड़की का क्या नाम था, जयबोली सा, जो हमारे कमरे में आकर रहने लगी। यानी महादेवी जी के साथ अब एक मराठी लड़की जयबोली सा रहने लगी थी। वह कोल्हापुर से आई थी, जेबुन मेरा कौन सा काम कर देती थी, मराठी थी, कोल्हापुर महाराष्ट्र में है तो महाराष्ट्र से आई थी और ये महादेवी जी का बहुत सा काम कर दिया करती थी। वह मेरी डेस्क यानी मेज साफ कर देती थी, किताबें ठीक से रख लेती थी। इस तरह मुझे कविता के लिए कुछ और अवकाश मिल जाता था। जेबुन मराठी शब्दों से मिलती जुलती हिंदी बोलती थी, मैंने भी मराठी सीखने लगी। यानी महादेवी जी भी उस मराठी लड़की जयबुनिसा से मराठी सीखने लगी थी। वहाँ एक स्थानीय सी थी जिन्नत बेगम, यानी एक और महिला थी जिन्नत बेगम। जयबुन जब इकड़े तिकड़े या लोकर लोकर जैसे मराठी शब्द है ये इनको बोलती थी, कुछ करती तो वहाँ पर जो महिला थी वो उसे टोके बिना नहीं रहती थी। और जब वो मराठी महिलाओं की तरह ही किनारीदार साड़ी पहनती थी, वैसाई ब्लाउज पहनती थी और कहती थी कि हम मराठी हूँ तो मराठी ही बोलेंगे, यानी बिल्कुल मराठियों की तरह ही रहती थी जैसे मराठी महिलाएं रहती थी। यहाँ उसका वेशभूषा, उसकी संस्कृति, उसके जो रहन सहन है वो बिल्कुल मराठी महिला की तरह थे। इसके जब उस समय देखा, मैंने देखा कि सांप्रदायिकता नहीं थी, यानी धर्म से संबंधित भेदभाव नहीं था कि कोई से भी धर्म को एक दूसरे से हीन बताया जाए, ऐसी भावना नहीं थी। धार्मिक कट्टरता नहीं थी। जो अवध की लड़कियां थी वे आपस में अवधी बोलती थी, जो बुंदेलखंड की थी वे बुंदेली बोलती थी, कोई अंतर नहीं आता था।
यानी उनकी जो स्थानीय बोली थी वो बोलती थी और हिंदी में पढ़ाई किया करती थी। उर्दू भी हमको पढ़ाई जाती थी परंतु आपस में हम अपनी भाषा में ही बोलती थी। यह बात बड़ी बात थी, हम एक मेज में खाते थे, यानी जहाँ खाना बनता था इनका वो एक ही जगह बनता था सबका, और एक ही जगह खाते थे, एक प्रार्थना में खड़े होते थे। कोई विवाद, धार्मिक पक्षपात, धार्मिक कट्टरता, भेदभाव, ऊंच नीच, जाति पाति की भावना कुछ नहीं था। मैं जब विद्यापीठ आई तब तक मेरे बचपन का वही क्रम चला जो आज तक चलता आ रहा है। कभी कभी बचपन के संस्कार ऐसे होते हैं कि हम बड़े हो जाते हैं तब तक चलते ही रहते। बचपन में जो संस्कार मिलते हैं उन्हें हम बड़े होकर भी नहीं भूल पाते हैं। बचपन का एक और भी संस्कार था कि हम जहाँ रहते थे वहाँ जवारा के नवाब रहते थे, उनकी नवाबी छीन गई थी। वे बेचारे एक बंगले में रहते थे, उसी कंपाउंड में हम लोग रहते थे, उसी क्षेत्र में हम लोग भी रहते थे। बेगम साहिबा कहती थी हमको ताई कहो, हम लोग उनको ताई साहिबा कहते थे। उनके बच्चे हमारी माँ को चच्ची जान कहते थे, यानी महादेवी जी की जो माँ थी उसे चच्ची जान कहते थे। हमारे जन्मदिन वहाँ मनाए जाते थे, उनके जन्मदिन हमारे यहाँ मनाए जाते थे। यानी ऊंच नीच की छुआछूत की जाति तक भेदभाव, धार्मिक भेदभाव नहीं था। उनका एक लड़का था, किनका लड़का, जवाहरा के नवाब का, उसको राखी बांधने के लिए वे कहती थी बहनों को राखी बांधनी चाहिए। राखी के दिन सवेरे से उसको पानी भी नहीं देती थी, कहती थी राखी के दिन बहने राखी बांध जाए तब तक भाई वो निराहार यानी बिना भोजन के ही रहना चाहिए। बार बार कहलाती थी भाई उनका बेटा है राखी बांधने के लिए। फिर हम लोग जाते थे, हमको लहरे या कुछ मिलते थे उपहार स्वरूप। इसी तरह मुहर्रम में हरे कपड़े उनके बनते थे तो हमारे भी बनते थे। यानी जो जवारा के नवाब थे मुस्लिम, वो और उनकी पत्नी वहाँ पर रहते थे, एक बंगले में रहते थे इन्हीं के क्षेत्र में। तो दोनों में जो है दोनों परिवारों में अच्छा तालमेल था, घनिष्ठता बढ़ती गई। और जो उनका लड़का था नवाब साहब का, उनके महादेवी जी राखी बांधने लगी। और इतना तक कि जब तक बहन भाई को राखी नहीं बांध देती, भाई भी कुछ नहीं खाता। तो यहाँ पर एक दूसरे के त्योहार को भी मिलजुल करके मनाना और धार्मिक भेदभाव नहीं करना, ऐसी इनकी भावनाएं थी। फिर एक हमारा छोटा भाई हुआ वहाँ, तो ताई साहिबा ने पिताजी से कहा देवर साहब से कहो वो मेरा नेम ठीक करके दे। यानी महादेवी जी का भाई हुआ और जो नवाब थे उनकी पत्नी उनसे लेख मांगने लगी, उपहार मांगने लगी। मैं शाम को आऊंगी, वे कपड़े अपने लेकर आए। हमारी माँ को भी दुल्हन कहती थी, कहने लगी दुल्हन जिनके ताए चाचे नहीं होते वे अपनी माँ के कपड़े पहनते हैं, नहीं तो 6 महीने तक चाची ताई ही उन्हें कपड़े पहनाते। इस बच्चे के लिए कपड़े लाए हूँ, यह बड़ा सुंदर है, मैं अपनी तरफ से इसका नाम मनमोहन करती हूँ। यानी महादेवी जी की माँ को लड़का हुआ, महादेवी जी के भाई हुआ, और वो जो मुस्लिम महिला थी उसके लिए कपड़े लेकर आए और उसका उस महिला ने क्या नाम रखा, मनमोहन। वही प्रोफेसर मनमोहन वर्मा आगे चलकर जम्मू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे, गोरखपुर यूनिवर्सिटी के भी रहे, ध्यान दीजिएगा। यानी कि जो मनमोहन नाम उस नवाब की जो पत्नी थी, जवारा के नवाब की पत्नी, वो मुस्लिम महिला जिसने उस महादेवी जी के भाई का नाम मनमोहन रखा, और वही मनमोहन आगे चल करके और जम्मू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर और गोरखपुर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे बन गए। कहने का तात्पर्य कि मेरे छोटे भाई का नाम वही चला तो ताई साहिब जो उस महिला ने दिया था। उनके यहाँ भी हिंदी चलती थी, उर्दू भी चलती थी, यूँ अपने घर में वे अवधि बोलते थे। वातावरण ऐसा था उस समय कि हम लोग बहुत निकट थे। आज की स्थिति देखकर लगता है जैसे वह सपना ही था, आज वो सपना कहीं गुम हो गया।
उनकी शिक्षा दीक्षा किस प्रकार से हुई, समाज का कैसा रवैया रहा, छात्रावास जीवन उनका कैसा रहा और किस प्रकार से वो समाज में रह करके लोगों के प्रति तालमेल बिठाती है, किस प्रकार से लेखन कार्य करके और सम्मानित होती है, उनकी बापू से मुलाकात होती है, यानी बचपन के जो दिन होते हैं वो किस प्रकार व्यतीत हुए और किस प्रकार से उनका जीवन आगे बढ़ता गया, किस प्रकार से उन्होंने प्रगति की, ये इस संस्करण में उन्होंने पूरा बताया है।